आज आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि इंडिया के हाईएस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाली इंडस्ट्री के अंदर बैठी हुई है। कंपनी का नाम है स्किपर। आज कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स अगर आप खुद भी खोल के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपनी ने क्वार्टर फोर के अंदर ये बोला था कि हमारा FY25 के अंदर 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का कंपनी का आउटलुक है, लेकिन क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने अपनी ही बात को ओवर अंडर परफॉर्मेंस करके ओवर डिलीवर किया। कैसे? कंपनी ने ये बोला था कि हम क्वार्टर पूरा साल आपको 25% की ग्रोथ देंगे, लेकिन कंपनी ने क्वार्टर वन के अंदर भी आपको ये दिखा दिया कि 99% से ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ आई है और 99% से ऊपर की कंपनी की पैड ग्रोथ आई है। ये अच्छी कंपनी और अच्छी मैनेजमेंट की खासियत होती है कि अंडर प्रॉमिस कर दो और ओवर डिलीवर कर दो। यहां पे आप शेयर होल्डर कम्युनिटी में ये बता देते हो कि हमारे बेस नंबर्स पे हम 25% से ग्रो हो रहे हैं, इसके ऊपर का कोई भी नंबर एक ओवर अचीवमेंट हो सकती है। कंपनी के धंधे को अगर समझेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का पूरा पावर सेक्टर, जहां पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आता है, इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। वहां पे इस कंपनी की खासियत क्या है कि प्रेफर्ड सप्लायर है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का, इंडिया की बिगेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है। और आज की डेट में कंपनी के पास जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उसके अंदर कंपनी अपने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर इसलिए जीत पाती है क्योंकि इनके पास हाईएस्ट वोल्टेज वाले प्रोजेक्ट्स हैं एग्जीक्यूशन करके दिखाए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई कंपनी अगर प्रूफ करके दिखा दे हिस्ट्री के अंदर कि हमारे पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो कंपनी को आगे जाके भी बड़े बड़े काम मिल सकते हैं। ये एक होता है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कंपनी आइडेंटिफिकेशन का कि कंपनी का इंडस्ट्री आउटलुक क्या है, कंपनी का खुद का आउटलुक क्या है और इंडियन इकोनॉमी कितने पे ग्रो हो रही है। इसके बाद की बातें अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने ये बोला है कि इस साल का उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो है वहां पे कंपनी 200 करोड़ लेके बैठी हुई है, जहां पे उन्होंने एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना है। और इंडिया का पावर सेक्टर जब तक ग्रो होगा, कंपनी के पास एक रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई दे सकती है। ये तो हुआ कंपनी का एक कोर बिजनेस जो कि कंपनी का ब्रेड विनर है। कंपनी के बाकी बिजनेसेस भी रॉकेट की तरह चल रहे हैं। ये चीजें आपको पढ़नी है और कभी भी दिमाग में आए कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, बेच दें। 5 मिनट की गेम है, अपने आप ही एक बारी पढ़िए, शायद कभी बेचने का नाम ना ले इस कंपनी को। थैंक यू।